बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आई एम सोबिया किरण एंड यूर इंस्ट्रक्टर फॉर द कोर्स थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग। टुडे इज़ आवर लेसन वन। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग, इट्स डेफिनेशन एंड सम डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काउंसलिंग इज अ वेरी डिस्टिंक्ट प्रोफेशन एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल एरिया। सो वट इज एग्जैक्टली काउंसलिंग? Counseling is an effort to engage client in a healthy behavior. It's a professional relationship between a trained counselor and a client. Counseling actually enable people so that they can make healthy choices. Like आप client को enable करते हो कि वो healthy behaviors में engage हो और वो healthy choices को अपना सके. Plus it is a professional relationship between a client and a counselor. काउंसलर लोगों की बात को सुनता है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। सो वी कैन से दैट काउंसलिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए लोगों के मसले मसाइल हल किए जा सकते हैं। काउंसलिंग की फील्ड बाकी फील्ड से बहुत ओवरलैप करती है। काउंसलिंग एक हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है एंड इसीलिए ये बाकी हेल्पिंग प्रोफेशन से भी ओवरलैप करती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, पैरामेडिक स्टाफ या सोशल वर्कर्स, बिकॉज दे ऑल्सो हेल्प पीपल। बट जो इंटरेक्शन क्लाइंट का और काउंसलर का है, इट्स वेरी यूनिक। कार्ल रॉजर्स ने इस हेल्पिंग रिलेशन को डिफाइन किया है एज इट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज हैज़ द इंटेंट टू प्रमोट द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरिटी एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग एंड कोपिंग विद लाइफ ऑफ द अदर। लाइक एक जो इंडिविजुअल है या जो एक एंटिटी है, वो दूसरे इंडिविजुअल की ग्रोथ को, मेच्योरिटी को, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है और प्रमोट करती है। ठीक हो गया? इसीलिए इस रिलेशनशिप के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। काउंसलिंग एज अ रिलेशनशिप प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द क्लाइंट। नंबर वन करेक्टरिस्टिक्स इज कि क्लाइंट की ग्रोथ को प्रमोट करती है। सेकेंडली इट इज अ सपोर्ट फॉर द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट के लिए सपोर्ट सिस्टम है। थर्ड, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है इस रिलेशनशिप में। क्लाइंट आपको जो भी बोल रहा है आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हो। हॉनेस्ट रिलेशनशिप है, लाइक क्लाइंट ओपनली अपने फीलिंग्स, इमोशंस और कॉग्निशंस का इजहार कर सकता है। जो करेक्टरिस्टिक्स एक काउंसलिंग के रिलेशनशिप में होती हैं, ये सारी बातें तो एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में भी होती हैं, तो क्या काउंसलिंग और फ्रेंडशिप इक्वल है? नहीं। फ्रेंडशिप में दोनों ही अपने कंसर्न शेयर करते हैं, लेकिन काउंसलिंग में एक पार्टी जो कि यूजुअली क्लाइंट होता है, वो अपने कंसर्न को शेयर करता है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग इज नॉट जस्ट हेल्प, काउंसलिंग इज मोर देन जस्ट हेल्पिंग। इट इज हेल्पिंग बट इन अ मोर प्रोफेशनल एंड एथिकल वे में। ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, इट हैज सम डिफाइंड एथिक्स, इसीलिए इस काउंसलिंग एज अ हेल्पिंग तो इट इज मोर देन दैट। ठीक है, लाइक इसमें, इस हेल्पिंग रिलेशनशिप में आप क्लाइंट की ग्रोथ को प्रमोट करते हो, उसको डेवलप कराते हो, उसको न्यू बिहेवियर्स में एंगेज करते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। द फर्स्ट वन इज काउंसलिंग एज रिलेशनशिप। देयर आर थ्री मेन कोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप एज डिफाइंड बाय कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दी थी एक काउंसलिंग रिलेशनशिप की, और वो है एम्पथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड जेन्युइननेस। एंड द नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग एज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। काउंसलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, विच मीन्स दैट इट इज बेस्ड ऑन सम थ्योरी, ऑन सम थ्योरेटिकल मॉडल। और वो थ्योरी कौन सी हैं? वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं। एक अच्छा काउंसलर साइकोलॉजिकल थ्योरीज के साथ और साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ अपने क्लाइंट के इश्यूज को रिजॉल्व करता है। नाउ वी विल डिस्कस गाइडेंस इन काउंसलिंग, लाइक हाउ गाइडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग। काउंसलिंग की हिस्ट्री में गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, द टर्म गाइडेंस। लेकिन अब गाइडेंस की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होती। गाइडेंस हम तब लेते हैं व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू और मोर चॉइसेस। आप एक टीचर, एक स्टूडेंट अपने टीचर से हेल्प ले सकता है, एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर या बैंक में आपने जाना है तो वहाँ पे आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी गाइडेंस है। या आपको एडवाइस चाहिए तो आप किसी बड़े के पास जाके उससे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करके उसका सोल्यूशन पूछ सकते हो। बट काउंसलिंग इज मोर देन दैट।
When it's come to counseling, it is not just guidance. Counseling में आप client को assist करते हो towards change. Client खुद काम कर रहा होता है अपनी change के लिए और आप उसको support provide कर रहे होते हो. There is also a difference between counseling and psychotherapy. Counseling or psychotherapy is different on the basis of origin. काउंसलिंग का ओरिजिन हमें मिलेगा 1950s, 1960s में जब वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. लेकिन साइकोथेरेपी का ओरिजिन हमें साइको एनालिसिस से भी मिलता है, ठीक है. और वहाँ से साइकोथेरेपी का ओरिजिन स्टार्ट हुआ. विद रिस्पेक्ट टू गोल्स, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. काउंसलिंग ज़्यादातर माइल्ड इशूज़ के लिए होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एडजस्टमेंट इशूज़ हैं, माइल्ड एन्जाइटी है, थोड़े से डिप्रेसिव फीचर्स हैं, या कंसनट्रेशन इशू है, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तब काउंसलिंग यूज़ होती है. जबकि स्वेयर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के लिए, स्वेयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, या स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोथेरेपी यूज़ होती है. लाइक क्रॉनिक डिप्रेशन, एन्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए साइकोथेरेपी यूज़ होती है. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. काउंसलिंग में हमारा फोकस होता है प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे. लाइक जब आप काउंसलिंग सेशन लेते हो तब काउंसलर का मेजर काम होता है कि वो आपके प्रेजेंट कंसर्न के ऊपर फोकस करे और उस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है. व्हेन इट्स कम टू साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में मेन इम्फोसिस होता है पास्ट ऑफ द क्लाइंट पे. लाइक पास्ट में भी रिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी रिजॉल्व किया जाता है, प्रेजेंट में भी फोकस किया जाता है, और फिर फ्यूचर के लिए गोल्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है. इनकी फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होती है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की. काउंसलिंग में यूजली 6-12 सेशंस होते हैं, एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि ये बहुत माइल्ड इशूज़ के लिए होता है, इसलिए 6-12 सेशंस में मेजॉरिटी इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं और काउंसलिंग आपकी 6 मंथ तक एक्सीड कर सकती है. व्हेन इट्स कम टू साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और यहाँ पर 20-40 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और साइकोथेरेपी का प्रोसेस वो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक भी जा सकता है. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन सेटिंग. साइकोथेरेपिस्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं, जबकि काउंसलर ज़्यादातर एजुकेशनल सेटअप में काम करते हैं. एज आई सेड अर्लियर कि काउंसलर ज़्यादातर माइल्ड इश्यूज़ के यूज़ होती है, वो लोग जो मेंटली इल नहीं हैं या जिनको सिर्फ माइल्ड इश्यूज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल कंसर्न्स हैं लेकिन वो इस वेरिटी पर नहीं है जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जा सकता हो. जबकि साइकोथेरेपिस्ट न्यूरोटिक और साइकोटिक क्लाइंट के साथ डील करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की जो थ्योरेटिकल नॉलेज और टेक्निक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. मेजॉरिटी टेक्निक्स या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो या थेरीज जिन पर काउंसलिंग और साइकोथेरेपी बेस करी या जिनकी फाउंडेशन है वो मेजॉरिटी सिमिलर हैं. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन ट्रेनिंग ऑफ साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर. साइकोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग एक्सटेंसिव होती है, उसको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है और फॉर्मल सुपरवाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है. व्हेन इट्स कम टू काउंसलिंग, काउंसलिंग की ट्रेनिंग इतनी इंटेंसिव नहीं होती, इट्स लेस फॉर्मल एज कम्पेयर टू साइकोथेरेपिस्ट, और इतना एक्सटेंसिव टाइम पीरियड के लिए भी नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.